नमस्कार, मैं महागुरु गौरव आप सभी को वर्ष 2018 के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आप सभी राशि के सभी जातकों के लिए शुभकारी रहे, मंगलमय रहे। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जीवन में जब सुख आता है तो हम खुश हो जाते हैं, जब दुख आता है तो हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में दुखों से दूर रहना, और हमें दुख जब भी आएंगे वो तो एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो उस समय जब दुख आए या दुख ना आए, उनको 2018 आपके लिए शुभकारी व्यतीत, तो उनके लिए क्या डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों को उपाय करने चाहिए, इसके बारे में मैं महागुरु गौरव आपको बताता हूँ। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए, उनको क्या उपाय करने से आने वाला साल 2018 उनके लिए शुभकारी साबित होगा। इस राशि के जातकों को चाहिए कि देर रात्रि तक नहीं जागना है, घर में दूषित वातावरण का संग्रह नहीं करना है, सफ़ेद रंग के सुगंधित पुष्प को घर में लगाएं, उनकी देखभाल करें, हरे रंग से दूर रहना है, जरूरतमंद लोगों की सेवा करें, उनके बीच कंबल बांटें, गले के अंदर अश्वगंधा की जड़ को धारण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। शनिवार के दिन साबुत उड़द, काला कपड़ा, सरसों का तिल, लोहा और लकड़ी के और या फिर कोयले का दान करें। अपने बटुए के अंदर हमेशा चांदी के चौकोर टुकड़े रखें। घर की अलमीरा के अंदर भी और या कैशबॉक्स के अंदर भी आपको चांदी के टुकड़े रखने से लाभ मिलेगा। जब भी संभव हो सके काले रंग की गाय को आपको फीड करना है। चांदी और चावल का मंदिर में दान करना शुभकारी रहेगा। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले मटकी में दूध भरकर रखना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कुष्ठ रोगों की सेवा करना, शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। यदि ये उपाय इस राशि के जातक रेगुलरली करते हैं तो आने वाला साल एक अच्छा साल साबित होगा और बिना किसी प्रॉब्लम के पूरा साल आपके लिए सुख में व्यतीत होगा। आने वाला वर्ष 2018 आप सभी के लिए शुभकारी और मंगलमय साबित रहे और आपको हर प्रकार की खुशियाँ मिले, भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं महागुरु गौरव, नमस्कार।